अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वाले को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क के सियासी सूरत हाल हैं, सियासी मामलात हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रही है। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुछ तनकीद की गई, ज़्यादा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है और यकीनन कहा जा सकता है, लेकिन तनकीद का मकसद किसी को सियासी जमात या किसी शख्सियत को निशाना बनाना नहीं है। ये महज इसलिए है कि अपने लोगों को बेदार किया जाए, उनके अंदर शऊर बेदार किया जाए, उनको समझाया जाए। ये जो अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और महज इक्तदार के हुसूल के लिए तमाम हदें अबूर कर गए हैं, इसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन होंगे और इससे किसी शख्स का, किसी जमात का नुकसान हो या ना हो, वो तो खैर सरासर फ़ायदे में ही है, लेकिन आपका, रियासत का बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे पहले जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। याद रखिए कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ख़ासतौर पे जो मौशी मामलात के हवाले से जो मामलात संभलने का नाम नहीं ले रहे, ये उन्हीं गलतियों का नतीजा है जो माजी में हुई हैं। और ख़ासतौर पे जो माजी करीब में एक गलती हुई, इख्तदार जिस तरह मुंतकिल किया गया, जिस तरह आम इंतखाबात के अंदर एक जमात को अक्सरियत दिलवाई गई, बरमला इसलाफ का इजहार कर रहा हूँ क्योंकि अब तमाम हकाइक सबके सामने है। पहले भी ये तमाम चीज़ें हमें मालूम थी, लेकिन अब ये लोगों के सामने है और ये हकीकत सबके ऊपर आश्कार हो चली है। प्रोग्राम में बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये बात समझाई जाए कि इस किस्म के दावे, इस किस्म की बेबुनियाद बातें सियासत में यकीनन इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा मोहलिक है रियासत के लिए और इक्तदार के हुसूल के लिए। इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जमातें आती रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानिए अपना इस्तेमाल करती रही हैं, अपनाती रही हैं, लेकिन ये मामला जो इस वक्त है, और मैं देख रहा था एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़ी तल्ख और चौंका देने वाले हकाइक को सामने लेकर आए हैं कि जो कुछ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है और इसका मास्टर माइंड कौन है। ये वही एक शख्स है जो पार्टी का सरबरा है, जो इस वक्त घर में मैसूर है, वो बैठकर ये तमाम प्लान खुद तैयार कर रहा है। ये साजिशें जितनी हो रही हैं, किसको किस तरह से आगे प्रोजेक्ट करना है, कौन सा बयानियाँ किस वक्त इख्तियार करना है, किस तरह इदारों को तजहीक का निशाना बनाना है, उनके ऊपर लान तान करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जो ये नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम कहते हैं, इन लोगों का इस्तेमाल किस तरह, इनको इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, उनको क्या बयानियाँ दिया जा रहा है, किस तरह उन्होंने इसको आवाम तक पहुँचाना है, जिनके पीछे हज़ारों लोग फॉलोअर्स हैं, जो उनकी पोस्ट को देखते हैं, मुख्तलिफ अलकाबात से जो नवाजा जा रहा है, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, कोसे दिए जा रहे हैं, इन सब के मास्टर माइंड मौसूफ खुद हैं। तो ये मामलात को बहुत ज़्यादा संगीन बना रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो बयानियाँ बार बार दोहराया जा रहा है कि खुदा ना करे मुल्क दो टुकड़े हो जाएगा अगर हमें इक्तदार में ना लाया गया, तो ये तमाम मामले को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। बहरहाल, कहने के लिए और भी बहुत कुछ है और बहुत सारे हकाइक भी हैं, लेकिन शायद लोग हमारे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पर जिस तरह बच्चों को, जिनको ना सियासत के बारे में इल्म है, ना तारीख़ के बारे में इल्म है, ना उनका मुतालिया है, ना उनकी रिसर्च है, उनको ख़ासतौर पर अपना हथियार बनाया जा रहा है महज इक्तदार के हुसूल के लिए, तो उनसे मैं ज़्यादा मुखातिब होता हूँ। यकीनन हमारी बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा तल्ख लग रही होंगी, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए है। ऐसे किसी भी शख्स से बचने की ज़रूरत है। ये किसी भी किस्म की अगर इस तरह की बात फैलाई जा रही है, इस बयानिए से ख़ुद को महफूज रखें, सियासत में ज़रूर हिस्सा रखें,
सियासी वाबस्तगी ज़रूर रखें किसी भी सियासी जमात से, लेकिन ये जिस तरह का बयानिया रियासत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ख़ुद को बचाने की ज़रूरत है, वरना इसके नतज आप तस्वुर में नहीं ला सकते कितने ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं, गुफ्तगू की जाएगी, वक्त महदूद है, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, सुबह के वक्त उन्हें खुश आमदेद कहूँगा और फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। ज़फ़र ख़ान साहब हमारे तजिया कार हैं, उनको सबसे पहले मैं खुश आमदेद कहूँगा। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई मुख्तसरन मैंने अभी तस्करा किया जो कुछ हो रहा है यकीनन आपके इल्म में है, और जैसे मैंने कहा कि लोग हमारे ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है ना मुताले में दिलचस्पी है, और उनका कसूर नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ ये उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जो राइज हमारे तालीमी निज़ाम है उसमें इस चीज़ की तरगीब नहीं मिलती, ना इस तरह के मामलों को शामिल किया जाता है कि बच्चों में मुताले का शौक़ जो है वो पैदा हो, तहकीक का शौक़ पैदा हो, निज़ाम ऐसा नहीं है। अब ये बच्चे जब आ रहे हैं सामने, और फिर ये जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर एक सियासी जमात जिस तरह बच्चों को इस्तेमाल कर रही है, ये बड़ी भयानक सूरत हाल जो है वो बन रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से आप तबसरा कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यासर भाई। देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये वाकई इससे पहले शायद इस तरह से नहीं हुआ जी। और देखें जो आवाम है उसके अंदर मायूसी तो है, और महंगाई और बेरोजगारी और जो है वो जो सूरत हाल जिस तरह से जो है वो बनी है आलमी हालात की बिना पर, मुल्की हालात की बिना पर, सियासी अदम इस्तेहकाम के बुनियाद पर जिस तरह से माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, तो बाज़ लोगों की तो ये देरी ना ख्वाहिश थी कि ये मुल्क कल का डिफॉल्ट करता आज, आज कर जाए, और वो हर तकरीर में हर बयान में हर जगह ये कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है डिफॉल्ट कर रहा है जी। और आप देखें यानी ये तो फिर सियासी जमातों की जिम्मेदारी होती है ना कि मुल्क और आवाम किसी क्राइसिस में तो उसको उससे निकाला जाए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि दानिस्ता या ना दानिस्ता वही हालात क्रिएट किए जा रहे हैं कि जिसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम और शदीद हो जी, और ज्यादा बढ़े, मुल्क के अंदर क्राइसिस और बढ़े जी, जिसके नतीजे में अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो तख्ता मश्क तो अवामी बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और यानी वो सारी महंगाई का बोझ देखे हमारे मुल्क के अंदर जो है ना 1% जो अशराफिया है ऐसा महसूस होता है कि सारी कानून साजी उसके फेवर में हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही, उसी के मफाद में हो रही है, वो खुद ही कर रहे हैं। जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं उनको तो यानी आप देखें ना कि उन्हें घर भी फ्री है, उन्हें गाड़ी भी फ्री है, फ्यूल भी फ्री है, ट्रैवलिंग भी जो है वो जहाजों के टिकट भी फ्री है, हर चीज फ्री है। बिल्कुल ऐसा ही, तो अब उन्हें किस तरह से पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो उससे क्या मुश्किलात जो है एक आम आदमी को जो है वो फेस करनी पड़ रही है ना। सही, उनको अंदाजा ही नहीं है वो कितना ही पेट्रोल हो जाए उनका तो फ्री का जी, और इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां भी जो है वो पूरा खानदान सबकी अलहदा अलहदा इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्ता कि मैं कहता हूं कि देखे ना पार्लियामेंट हाउस जो है सबसे सस्ती रोटी पार्लियामेंट हाउस में मिलती है, सबसे सस्ता खाना पार्लियामेंट हाउस में मिलता है जी। जब वहां क्या कोई इस तरह के लोग हैं कि जिनके लिए आपको इस तरह के कानून साजी की जरूरत है, होना तो ये चाहिए कि पहले आवाम को रिलीफ दो जी, उसके बाद आप रिलीफ लो, बिल्कुल ठीक, आप है। वो सहूलत हासिल करो। अब ये जो गरीब आवाम है, आप देखें रमजान का मुतबर्रिक महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है जी, लेकिन जिस तरह से आटे और चीनी और इसके लिए लोग परेशान है और जिस तरह से आटे के ऊपर कीमत बढ़ाई जा रही है, तो यानी जो रोटी है रोटी उसकी कीमत भी बढ़ रही है पूरे मुल्क में बढ़ रही है। बिल्कुल, अच्छा पहले यूटिलिटी स्टोर थे वहां से चले कुछ रियायत के साथ कुछ सब्सिडाइज रेट के साथ ये रोजमर्रा की जो अशिया हैं ये मिल जाया करती थी, लेकिन अब तो वहां भी जो है वो सब्सिडाइज रेट जो है वो खत्म करके, और हमारे यहाँ जो है ना वो तो IMF रोज एक नई शर्त आयद कर रहा है, रोज है वो आप एक शर्त पूरी करें वो चार शर्तें और लगा और देते लगा हैं, देते हैं और पूरी करें वो और लगा देते हैं, उनका क्या एजेंडा है।
वो तो वक्त ही साबित करेगा, जी लेकिन इस तरह से वो मुल्क को और मुल्क के आवाम को मसाइब का जो है ना मुश्किलात का शिकार कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक है। उसमें हुआ क्या है कि वो पार्टी जो अब अपोजिशन में है, कल जब इक्तदार में थी तो कारकर्दगी के लिहाज से उसकी रेटिंग भी जीरो हो गई थी। जीरो थी, बिल्कुल यानी ये थी नहीं है कि उन्होंने कोई उसमें बड़ी कारकर्दगी दिखा दी है जिसकी वजह जी से हम आवाम पीछे, लेकिन क्या है कि जो मौजूदा हुक्मरान है आवाम उनसे भी मायूस है, उनसे भी बिल्कुल उनको ऐसे ही कोई तवक्को नहीं है। नहीं है। नतीजा यह है कि वो तो इस मायूसी के आलम में कोई उनको तिनके का भी, जो डूब कहते हैं ना कि डूबते जी को तिनके जी का सहारा, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये भाई उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी, अब महंगाई इससे ज्यादा बढ़ गई है, और ये लोग जो अब बैठे हुए हैं ये भी अपने जो है वो मामलात के ऊपर इनकी तवज्जा ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन पैदा हो रहा है। और उस रिएक्शन को वो जो है वो दानिस्ता या नादानिस्ता, मैं इस मामले में क्या कहूं कि रियासत तक के खिलाफ जो है वो जाया जा रहा है। कल जब आपको इख्तदार में लाया गया था तो पूरी कौम कहती थी कि जिस तरह से आपको इख्तदार में लाया गया, और वो ये समझते थे कि आपको लाने के नतीजे में मुल्क को जो है वो इसका फायदा होगा, लेकिन फिर वो समझते हैं कि भाई आप डिलीवर नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके नतीजे में जब आप इख्तदार से महरूम हुए, वो भी एक लीगली प्रोसेस को अपनाया गया जी कि जी अदम एतमाद आया। अच्छा, अब आपने वो अदम एतमाद आ गया, आप बाहर हुए तो आपने जो है वो सारे अरकान असेंबली से रिजाइन करा दिया, बिल्कुल इतनी तो ऐसे बड़ी ही। तादाद थी। हाँ, फिर आपने जो है वो सूबाई असेंबलियों से भी जो है वो हाथ धो लिए हाथ खुद धो ही। लिए खुद ही। किसका दबाव था? परवेज इलाही साहब जो जिनको आपने सदर बनाया है, जी जी वो खुद भी ये कह रहे थे और कहते थे कि भाई ये चलने दो और इसी में मफाद है। आज आप जो रोना गाना कर रहे हैं, ये भी जी तो आपकी गलती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो शायद उस वक्त भी आपके एक प्रोग्राम जी में जी कहा जी था बिल्कुल कि आप ये असेंबलियां तोड़ेंगे तो आप बंद गली में जाएंगे, बिल्कुल ऐसा और ही है। अब आप यही कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अगर कोई सियासतदान, कोई यानी इस तरह का जिम्मेदार किसी सियासी पार्टी का सरबरा, अगर वो हर वक्त सिर्फ यही बात कर रहा होगा मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तो अब इस वक्त जान के खौफ में मुब्तला है। जी उससे आप कोई भी जो है ना वो तवक्को कर सकते हैं कि वो किसी भी तरह का इकदाम कर सकता है जो है ना, कि इंतहाई किस्म का जो है ना। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए जो है खौफ से आप निकलें, आप जो है वो यानी आप देखें ना कि लोगों के ऊपर FIR भी, सियासी लोगों के ऊपर तो कभी वो जेल में कभी रेल में वाला बिल्कुल मामला ऐसे ही, होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। कभी जो है वो इख्तदार में होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, इस तरह के मसाइब को फेस करते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई भी हद क्रॉस नहीं करता। आप जो है वो पता नहीं आपके कौन मुशीर हैं जो आपको इस तरह के इकदाम के जरिए दिन ब दिन आपके रास्ते को मजबूत करते चले जा रहे हैं। नहीं जफर भाई, अब ये कहना होगा कि जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, पहले हम भी ये सवाल किया करते थे एक ज़माने में कि आपके मुशीर कौन है, लेकिन अब ये पता चला है कि जी मुशीर कोई नहीं है, ये सारे फैसले खुद ही लेते हैं मौसूफ, और ये खुद ही अपने जो इनके दिल में आता है वो करते हैं, क्योंकि वो सारे आपको पता है कि वो रवैया जो क्रिकेट के दौर में था डिक्टेटरशिप वाला, वो इस वक्त भी है, और ये सारे फैसले खुद ही ले रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे किसी को बात कहनी हो, किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना हो, ये सब प्लान खुद ही करते हैं अपने दिमाग से, और सब कुछ हो रहा है, तो नतीजों में वो चीज़ जाहिर भी हो रही है। जी तो अब आप देखें ना कि अगर FIR कट जाए, अदालत में पेश होना हो, तो पहले भी सियासतदान पेश तो होते रहे हर हैं। दौर में पेश होते हाँ, रहे। उसमें ऐसा गया क्या अनहोनी हो गई है कि आप जो है वो बिल्कुल आप ये कहें कि जी बस ये तो ऐसा है कि मैं नहीं पेश हो सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं वहां पर आप पांच केसेस में आपको उस दिन पेश होना था, आप चार में पेश हो गए, एक में नहीं हुए। चलो भाई, आपने कहा कि वो वहां पर सिक्योरिटी का मसला था, जान का खतरा था, ये था वो था, लेकिन यानी वो तो उसके अंदर तो कोई रिमांड भी नहीं है, उसके अंदर तो सिर्फ ये है कि हाजिरी यकीनी बनानी है। जी वो हाजिरी अभी तक यकीनी नहीं हो पा रही, जाने के बावजूद नहीं हो पा रही, और ये क्राइसिस जो है बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी इकदाम किए उसके नतीजे में इलेक्शन जो है, यानी एक जो मुल्क का इलेक्शन जो होना चाहिए वो तो अभी तक जो है वो
यानी मुझे तो उस तरह से कोई नजर नहीं आ रहा। अभी अभी जो सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन के इनाकात का मसला है, तो चले यहाँ भी कोर्ट ने फैसला दिया है और उस पर पंजाब के अंदर जो है पंजाब की असम्बली का वो प्रोसेस शुरू भी है, लेकिन मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जो हालात और जो मामलात हैं कि ये भी जो है वो मामला यानी होता हुआ बज़ाहिर जो किसी है करवट जो है वो बैठता हुआ नजर नहीं। नजर नहीं आ रहा। केपीके का मामला भी आपके सामने है, आपने ये तोड़ी क्यों थी? इसलिए तोड़ी थी कि शायद पूरे मुल्क का इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, होना भी ये चाहिए कि पूरे मुल्क का इलेक्शन एक साथ हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, एक साथ हो। अगस्त में मेरे ख्याल में ये टाइम भी मुकम्मल हो जाएगा जी और जो है वो ज्यादा दूर भी नहीं है, जी ये रमजान और ईद के बाद जो है वो यानी वो आ जाएगा मामला बिल्कुल। वहां के लिए जो है वो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब इतनी अफरा तफरी, इतना इंतशार, इतना जो है सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी इतनी हाइप क्रिएट करने की आखिर क्या जरूरत है? इसको यानी इस कशीदगी को कम होना चाहिए और ये जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर भी है और ये जिम्मेदारी अपोजिशन के ऊपर भी है। ना ये बरी उस जिम्मा है कि ये समझ रहे हैं कि मैं अब हुकूमत में नहीं हूं तो मैं जो चाहूं करूं भाई, ये तो नहीं। अपोजिशन भी जो है वो उसका के लिए भी एक उसूल और जाब्ता होता है और हुक्मरान जो है हमारे उनको भी इस हवाले से जो है वो यानी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका हो कि ये सब ऑन बोर्ड आए ठीक और बैठ कर। इसलिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि देखे इस सब का नुकसान इन्हें किसी को नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इन सब के पास जो है वो बाहर के वीजे लगे हुए हैं, बाहर की नेशनलिटी है, बच्चे बाहर हैं, बिजनेस बाहर है, अकाउंट्स बाहर हैं। ये जो आम अवामुन नास है जी, मसला तो सारा इसके लिए, इसने यहीं रहना है, इसने यहीं पर जो है वो इन सारी चीजों को फेस करना है। ये सारे जो क्राइसिस हैं और जिस तरह से जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और सियासी अदम माशी अदम इस्तेहकाम यानी ठीक है जो हालात है, लेकिन ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये और ज्यादा तेजी से जो वो बढ़ रहा है ना, तो इसको आप अपनी कामयाबी समझ रहे हैं? ये तो एक अजीब सी बात है ना। नहीं, मैं जफर भाई अर्ज यही है कि ये जो जिस किस्म की सियासत है, मतलब देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ अभी जो बल्दियाती इंतखाबात से पहले, उसकी तरफ आते हैं जरा। इंतखाबात के हवाले से एक सियासी जमात ने कैंपेन चलाई, मैं बात करता हूँ हमेशा कि जिसने अच्छा काम किया उसको सराहे जाने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी ने जिस तरह काम किया, एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाई और इश्यूज़ के ऊपर बात की कि जो इसके देरीना मसाइल हैं, और दीगर जमातों ने भी किया, इसमें और भी दीगर जमातें शामिल हैं, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया और उसका नतीजा आपके सामने आया। लेकिन यहाँ पर जब मामला देखते हैं, जो ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो रियासत के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है और अपने बयानियों को तकवीत देने के लिए जो कि झूठ पर मबनी है, और बड़ी हैरान कन बात यह है कि ये झूठ पर झूठ बोला जा रहा है जो एक एक करके साबित भी होता जा रहा है। वक्त तमाम चीज़ें साबित कर देता है, वो चाहे साइफर के हवाले से हो या किसी इनफरादी शख्स के हवाले से हो, किसी इंस्टीट्यूशन के हवाले से, उसके सरबरा के हवाले से, वो एक एक करके सारे झूठ जो है वो सामने आते चलेगा। लेकिन उसके बाद भी डिटाई से वो एक के बाद रोज़ाना एक नया झूठ बोलते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बात हो रही थी कि हुकूमत गिराने का जब उनसे सवाल किया जाता है, अच्छा अपने मनपसंद लोगों से वो सवाल लेते हैं, वो हम जैसे लोगों से जो है वो सवाल लेना पसंद नहीं करते, तो उनको ये बता रहे थे कि जी फलाना मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उनको उनकी साजिश की वजह से हम चले गए। फिर दो तीन दिन पहले ये बता दिया गया कि वो शायद कराची में जो ताजर हैं उन्होंने मिलकर जो है वो साजिश कोई की थी, उसकी वजह से हुकूमत चली गई। तो ऐसे लीडरान का क्या किया जाए जो इस तरह का तर्ज सियासत रखते हैं? अच्छा जफर भाई, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोहतरम जफर खान साहब तशरीफ़ फरमाएं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और क्या कुछ हो रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए। ब्रेक पे जाने से पहले हुजूर, मैंने अर्ज़ी ये की थी कि ये जिस तरह हो रहा है सब कुछ, मास्टरमाइंड हम सबको पता है इसके पीछे कौन है और किस तरह ये साजिश जो है वो तैयार की जा रही है, लेकिन ये जो बयानिए रोज़ बरोज़ नए सामने आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? और खैर, मैं उनके मानने वालों से ये सवाल करता हूँ
कि क्या ये सवाल नहीं उनसे होना चाहिए कि आपको ये बार बार झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? वो एक जो सच है वो आवाम के सामने कब आप लेकर आएंगे, कि जिसकी वजह से कभी आप लोगों को एब्सोल्युटली नॉट पे लगा देते हैं, कभी क्या हम गुलामे पे लगा देते हो, और वो बुरी तरह जो है आप समझ लें रुसवाई मिलती है जब वो सच सबके सामने आता है, लेकिन उसके बाद भी डेटा ही बरकरार है। ये कमाल, ये आप अच्छा समझने के आप देखें, तरीका है जी। अच्छा आप देखें कि जो यानी पहले ये कहते थे कि अमेरिका की तरफ से जी साजिश जी हुई जी और जो है वो मुझे इसलिए हटाया गया, हम्म, लेकिन आजकल जो है वो इन्होंने भी जो है वो मामले को रफा दफा करने के लिए बड़े जतन किए, और ज़ल्मे खलीलदा साहब जी जो जी जी है, जी आइए, बड़ा अच्छा नाम दिया था उनको भी, नाम नाम देने के तो मास्टर हैं, उसको भी बड़ा अच्छा नाम दिया था। बहरहाल चल हाँ यानी अच्छा पहले कभी जी जी नाम दिया जी होगा, आज वो हमने वाला और हम पे हम आला प्याला यानी बने में, जी और वो सारी जो है उधर से थपकी लगाई जा रही है। अच्छा हो ये रहा है कि आप देखें ना कि इधर जो है वो इसहाक डार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में और एक ये माहौल क्रिएट हो रहा था कि IMF जो है वो क्यों रिलीज नहीं कर रहा सारी शराइत को पूरी करने के बावजूद जो है, तो फिर बात ये आ रही थी कि शायद जो है वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के जो एटमी जो मिसाइल जो प्रोग्राम है के साहब उसकी रेंज कम की जाए ये किया जाए, तो उसके ऊपर तो अमेरिकन हुकूमत ने खुद ही वजाहत दे दी कि नहीं जी ये तो महफूज हाथों में है और जी बिल्कुल हमें इस पर कोई वो नहीं है, और साथ उन्होंने फिर जो है वो आर्मी चीफ के लिए भी कहा कि उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ जो है ये ज़ल्मे खलीलदा साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो राबते में हैं और यहाँ जी थपकी लगा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो इनको हर तरह से जो है वो एक जो है वो दे रहे हैं, इनके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा इनका मामला, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये जो आ गया दिमाग में वो फिर कोई कुछ कहता रहे, जैसे वो अभी मैं बात कर रहा था कि असेंबलियों को तोड़ने के हवाले से KP की और पंजाब की, परवेज इलाही साहब ने सारे घोड़े दौड़ा लिए कि किसी तरीके से जो है ये मान जाए, मान जाए। लेकिन नहीं माने, और शायद उनको ये लॉलीपॉप दे दिया कि तुम्हें पार्टी का चलो सदर बना बहुत रहे जी और तुम जो है इस काम को कर दो ना, जी तो अब जो है वो इसी तरीके से जो है जो सिलसिला है ये यानी ये तो कोई छोटी सी भी FIR तो जान को खतरा है, जी नहीं जा सकता, नहीं वो कर सकता, घर के गिर्द हिसार अच्छा, बना ये ले, कोई शख्स यानी मुझे ये जी बताइए जी कि जो जितने भी सियासतदान हैं अच्छे हों या बुरे हों, आपका उनसे तफाक हो या ना हो, क्या ये बंद नहीं हुए, क्या बिल्कुल ये ऐसा ही जेल है। नहीं गए, क्या इन और पे दूसरी बात FIR नहीं की जफर गई, भाई, अर्ज क्या ये है कि इन्होंने सहूबतें बर्दाश्त जी नहीं जी की, लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं किया जिस तरह नहीं, से। मेरा मेरा सवाल आपसे ये है ना कि क्या मुझे और आप समेत कोई शख्स भी पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में या कराची के अंदर कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं यहाँ पर महफूज हूँ? ये एक बड़ा आम सवाल है। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपसे जवाब लेता हूँ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर अली नासिर साहब मौजूद हैं, बड़े अच्छे एंकर पर्सन भी हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं, और ख़ास तौर पर अवामी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं जो यहाँ पे रहने वाले लोगों को समझ में ज़्यादा आती है। अली नासिर साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी आवाज सुनी तो बहुत अच्छा लगा जी, हुक्म कीजिए क्या कहूँ। अरे भाई, मैं जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग मुकीम हैं, अंग्रेजी में ओवरसीज कहते हैं या हम उसको समंदर पार पाकिस्तानी कहते हैं, बड़ा बेचैन है, बड़ा अच्छा, पाकिस्तानी निजात निजात, अच्छा उसकी तो आप, मैं जी, चाहूँगा ज़रा तशरीफ़ फरमा दीजिएगा, बड़ा इस्तराब उनमें पाया जाता है, बड़ी मतलब एजिटेशन है, बहुत उनके ज़्यादा बेचैन है, मुबैना फरमाइएगा। तौर पर माने इसके ये हैं कि पाकिस्तान से निजात हासिल करके किसी और दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो आज़ादी हासिल करने वाले लोग या वहां पर मुकीम लोग जी, इनका बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है यासिर साहब। प्रॉब्लम ये होता है कि ना ये हियाँ के होते हैं ना हुआ के होते हैं, और ये बड़ा इनके लिए एक पेचीदा किस्म का मसला बन जाता है, ठीक है और खास तौर पे जब इनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो परेशानी पाकिस्तानी निजात लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि बेटे तो गोरी से शादी कर ले कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आजकल माहौल माशरा बदल गया, इंटरनेट का दौर है, जी, लड़कियां भी गोरों से शादी कर लेती हैं, तो फिर माँ बाप जो हैं वो फिर पागल हो जाते हैं, बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे किसी जाहिल फुफ्फी के बेटे से शादी करने ले आते हैं, जी तो वो चलती नहीं है, तो ये आजकल बड़ा स्ट्रेस का मामला है जो ये पाकिस्तानी निजात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं
24 घंटे इनका ध्यान यहाँ पाकिस्तान पे लगा रहता है, ना उस मुल्क में रह पाते हैं, ना उस मुल्क के माशरे के लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, अमेरिका में रहते हैं और एक भी अमेरिका का दोस्त नहीं बनाते, पूरा दिन व्हाट्सएप पे अपने स्कूल के कॉलेजों के ग्रुप के अंदर अपने लोगों के साथ बात करते रहते हैं, दूसरे ममालिक के सियासी अमल में कभी हिस्सेदार नहीं बनते, पूरा वक्त इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ देखते रहते हैं। ये कंफ्यूज लोग बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे कोई आदमी जवान और खूबसूरत जवान लड़की से दूसरी शादी कर ले, फिर उसके बाद जब वो अपनी पहली बीवी को हर वक्त याद करके रोता रहे। तो यही हाल कुछ पाकिस्तानी निजात लोगों का है जो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ के चले तो गए लेकिन यहाँ की याद सताती है। जी हुकुम, और कुछ नहीं आज के लिए? अली भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही वो कर डाला, लेकिन ये इस वक्त जो बेचैनी हम इससे पहले भी देखते आए हैं, वहाँ पे लोग रहा करते थे और आजकल से कुछ ज़्यादा दावेदार हैं, यहाँ पर भी हम एक सियासी जमात देखते हैं, वो कहते हैं भी सबसे बड़ा स्टेक उन्हीं का है। अब हमें महसूस ही होता है, तासुर ये दिया जाता है कि जो हम यहाँ पर रहते हैं, अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं, उनका हिस्सा कम है और ये जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं ज़्यादा है, मतलब राइट्स भी उनको दिए जाएं और ये तमाम चीज़ें उनके लिए, और हत्या के बाद भी उन्हीं के लिए की जा रही है और एहतजाज भी जिस नौीयत के वो कर रहे हैं। क्या ये काबिल कबूल है कि जो कुछ हो रहा है और ये किससे डिमांड कर रहा है? मैं खास तौर पे बच्चों को देखता हूँ, बच्चियों को जिन्होंने कभी नक्शे में नहीं देखा कि पाकिस्तान कहाँ है, वो इतना ज़्यादा जज्बाती हुए हुए हैं कि मैंने देखा सड़क के ऊपर जो है वो सर के बल एक कलाबाजियाँ एक नौजवान जो है वो खाता हुआ मुझे नज़र आया, वतन की याद में और इमरान खान के लिए बेचैन हो रहा है, तड़प रहा है। ये क्या मामला क्या है, क्या हो, कैसे गया ये सब कुछ? देखिए इमरान खान इम्मी तो मुझे भी पसंद है बहुत, तो बाहर के लोगों को पसंद है तो इसमें क्या बुराई है। हाँ ये बात तो है। तो बात ये है कि जी जी जी, तो इमरान खान साहब तो वैसे भी इंटरनेशनल स्टार हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा लंदन में, बरतानिया में उनकी शोहरत थी भी, जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत अहम हिस्सा उन्होंने। अली भाई, एक सिंगर हुआ करता था, एक गाने वाला, मिक जैगर उसका नाम था, वो भी बड़ा मशहूर हुआ करता था एक जमाने में, उसको भी क्या बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए या मुझे बताइए कि मैं जरा। देखिए असल में बात ये है यासिर साहब के, इमरान खान साहब जो हैं वो बैन अलाक्वामी तौर पर मशहूर शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं है, और जैसे आपने कहा कि उनका स्टेटस बिल्कुल मिक जैगर जैसा था, जैसे वहाँ के पॉपुलर स्टार जो होते हैं, और काफी जिंदगी का अर्थ था, उन्होंने वहां पर गुजारा भी, वहीं पर शादी के लिए लड़की भी पसंद की और शादी भी वहीं पर हुई, आपको याद होगा, और लाइव टेलीकास्ट हुई टीवी पर, शायद मुनफरिद एक शादी हो, वरना आप देखें पॉपुलर कल्चर में मलका मतलब सॉरी शहजादी डायना और शहजादी फर्गूसन जो कि अब दोनों अब खावंदों के साथ नहीं रही, इनकी शादियों के अलावा लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर कम ऐसी शादियां रही, और इसके अलावा ये है कि नहीं शादियां तो माशाल्लाह ये एजाज हासिल है कि सारी जो है वो टीवी के ऊपर बराह रास्त दिखाई गई हैं, तो ये तो मुनफरिद एजाज है और आगे भी शायद अगर होंगी तो वो बराह रास्त ही दिखाई जाएंगी, ये तो चलें मुनफरिद एजाज। किरदार पे बात हो गई तो पता नहीं किस किस के कहां कहां से क्या क्या बच्चे निकल आएंगे, ये छोड़ दें, क्योंकि अगर इसमें पड़े तो बात ये कि कसूर उसका ये है कि वो खूबसूरत है और वो बाहर के ममालिक सर बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें खूबसूरती की। बहरहाल चले, उसके बाद तो फिर शरई तौर पे फिर अल्लामा मौलाना भी बुलाने पड़ेंगे जो मुख्तलिफ जावियों से देखकर बताएंगे कि किसके कहां पर कितने हैं और कब जायज थे और कब नाजायज हैं, क्योंकि जी, जी। आज मैं मुकालमा देख रहा था कि उसमें आ रहा था कि क्या ये मामलात काबिले समात हैं या नहीं, तो अगर बाकी चीजों के भी अगर इनके ऊपर बात आ गई, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, देखिए मैं तो आपने बोला आप बड़े अच्छे तजियाकार हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, तो आपको तो पता है यासिर भाई के पाकिस्तान में दो ही बुरे लोग हैं, जी, जी। एक मैं और एक माविशियात, बिल्कुल तो मैं तो अपने आप को अच्छा नहीं समझता, बाकी मुल्क तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये बेड़ा गर्क तो सिर्फ जो है मेरा और मेरे और माविशियात की वजह से। सर ऐसा ही है, गो कि आपके पास कोई तमगा भी नहीं है सरकारी सतह पर, आपको कोई पजीराई भी नहीं मिली। सर बात यह है कि आजकल तो किरदार की कमजोरी जो है ओहदा हासिल करने के लिए बुनियादी शर्त है। देखिए समझिए जी जी यासिर साहब, जितना ज्यादा आपकी कोई बेहुदा गंदी वीडियो ऑडियो किसी के साथ कोई स्कैंडल होगा तो तभी तो आप आगे आ पाएंगे, मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो कभी आगे दुनिया में और खासतौर पर पाकिस्तान में तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर तो, जी जी बिल्कुल, यहाँ पर उस शख्स का इंतखाब किया जाता है ओहदे के लिए
जो इखलाकी तौर पे और किरदार के लिहाज से थोड़ा कमजोर हो, ताकि उसको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सके। देखिए, जी अगर मेरी भी एक आधी कोई गंदी वीडियो बन जाएगी तो मुझे भी जरूर वजीर मुशीर बनाने के मुतालिक सोचेंगे। जी जी किरदार की कमजोरी होगी, थोड़ी माँ बाप की तरबियत अगर कम रह जाती जी तो रिश्वत भी जो है वो खून में बस जाता, फिर ये कि फिर थोड़ा बेहतर चांस होता दुनिया में आगे बढ़ने का। देखिए, ये हमारी कौम जो है, माजरत के साथ अब इजाजत दीजिएगा, जी बहुत नाकिसुल अकल और बहुत कम बसीरत व तासीर रखने वाली कौम है। हम लोग तो कमजोर किरदार के शख्स को ही आगे लाते हैं, जी क्योंकि जी हम अदम तहफुज का शिकार होते हैं। यहाँ पर बीवी भी घर में नौकरानी रखती है तो बदसूरत तो और उम्र रसीदा रखती है, जी ताकि जी उसके खामन का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। बिल्कुल हम तो बहुत ही ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार कौम है। आप सोचते हैं कि जो इतने एहसास कमतरी का कौम की कौम हमारी शिकार है, वो अपने लिए लीडर बहुत अच्छा इंतखाब करेगी? अरे, ये तो बिल्कुल ऐसा लीडर इंतखाब करेंगे जो हलाले के बाद फौरन तलाक देकर छोड़ दे और करे भी कुछ ना दौराने हलाला। तो देखिए, मेरी बात सुने, ये आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना मैं इस कौम का, इस मुल्क की कयादत का, इस मुल्क की खसलत का, इस मुल्क के अखलाकियात के मैार का आपके सामने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दूंगा। बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल आप देखिए कि इनको इनकार होता है कोई मेरी बीवी बेटी की तरफ देखे भी ना, और देखिए गेम शोज के ऊपर प्राय आदमी मोटरसाइकिल पर बिठाकर झटके दे देकर बीवी और बेटियों को ले लेके घूमता है, और खावंद और बाप तालियां बजाते हैं कि मोटरसाइकिल दे दो, ये जोड़ा दे दो, ये कपड़ा दे दो। तो सर, मेरा मुंह ना खुलवाएं, मेरा जी मुंह खुल गया तो आपको पता है फिर तो सारा मामला खुल जाएगा। ठीक है, यासिर साहब, आपके साथ तो मेरे ख्याल 6 साल मुसलसल प्रोग्राम किया से कोशिश शुभ करते में, रहे लोगों अब तक आप को। मेरी फितरत से तो वाकिफ होंगे कि मैं मैं बगैर अली भाई नशे की आजकल कैफियत एक के नशे में रहता हूं। मैं इस्तेमाल इस्तेमाल करता हूँ, रेड लाइन। आजकल ना एक आपको पता है फैशन में रेड लाइन इस्तेमाल करना, तो मैं वो जो लाल लकीर है ना, खतरे के निशान वाली सुर्ख लकीर, उसको क्रॉस नहीं करता। मजीद आपसे क्या मैं कहूँ, और अभी माह नहीं सर, मुबारक के करता हवाले मैं भी से। नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, जी लेकिन हर दफा लाल लकीर के पास पहुंचता हूं काम लाल लकीर थोड़ी आगे कर देती है, फिर लाल लकीर के पास पहुंचता हूं काम लाल लकीर आगे कर देती है। आप देखिए, जो यासिर साहब आप कानून को घर के हैं, जी मेरे वालिद ने कहा कि तुम टेलीविजन पर जा रहे हो, सारी उल्टी सीधी बातें करोगे, खुद भी फंसोगे, यासिर साहब को भी फंसा दोगे, वो भी कानून को है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने 3 असूल याद कर लिए MMM के। उन्होंने जी कहा कौन से? मैंने कहा मौलवी, मिलिट्री, मुतैदा, सही इनके मुताबिक कभी कोई बात नहीं करूंगा, कभी नहीं फंसूंगा। उसके बिल्कुल अलावा कानून गो होने के नाते कभी भी अदलिया के मुताबिक कोई बात करूंगा ही नहीं। मैं आपसे और सवाल भी नहीं कर सकता, हाँ, मैं नहीं मजीद तो क्या इसके ऊपर कर। इन मौजूदात को एक तरफ रखते हुए आप इस मुल्क में कुछ कह दीजिए, यकीन करें कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। बहुत खूब अली भाई, बहुत शुक्रिया। जफर भाई भी जी तशरीफ रखते हैं और शामिल गुफ्तगू रहे हैं। मैं चाहूंगा आखिरी जुमला जो है वो, इसके ऊपर मजीद क्या कहा जा सकता है। अली नासिर साहब ने खुलकर, अब ये बड़ी तल्ख और सच्ची बात है, अब ये शायद हमारे लिए सुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब सर हिला रहे होंगे कि ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। फरमाइएगा। नहीं, अली नासिर साहब ने बहुत दिलचस्प अंदाज से जो है वो तबसरा किया और तजिया किया, तो नो डाउट जैसा सुना था जी, वैसा, वैसा ही जैसा समझा था वैसा ही पाया। पाए। तो खैर, बहरहाल इस वक्त वाकई हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है ना, जी वो यही है कि अब आप देखें कि ये फैसले अगर फर्द वाहिद कोई खुद कर रहा हो और उसके नतीजे में वो मुल्क को, आवाम को, अपने आप को, सबको मुसीबत में डाल रहा हो, तो अब इसके ऊपर उन्हें फिर समझाने वाला कौन है? जी बिल्कुल जब ठीक है। मुशीर भी कोई नहीं है, जब वो किसी की सुनते भी नहीं है, तो जो बात यानी आप कह रहे हैं, तो उस हवाले से फिर आप मुझे बताइए ना कि फिर क्या रह जाता है, बिल्कुल कहाँ ठीक से है, समझाया कहाँ से जाए, कैसे समझाया जाए, समझाया कैसे जाए। बात समझाई। लेकिन बहरहाल ये हर एक को समझना चाहिए, चाहे वो हमारे यानी जितने भी सियासी जमातें हैं उनके जिम्मेदारान को, कि देखिए मुल्क है तो सब कुछ है, सब कुछ है। वरना जो है वो, इसलिए आप एक कोई जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, जी और आप जो है वो रियासत से लड़ाई ना करें। इख्तलाफ हो सकता है, शिकायत हो सकती है, कल आप बहुत खुश थे, आज आप बहुत नाराज हैं, बिल्कुल ठीक हो है, सकता है कल फिर आप खुश हो जाएं। बिल्कुल जो ठीक है, हालात और जो मामलात हैं पाकिस्तान में, कोई चीज़ उर्फ नामुमकिन आखिर नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसा यानी, और जो है वो यहाँ पर जो है वो तब्दीली हर तरह की होती रहती होती है। रहती तो इसलिए जो है वो इतना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम
जाने की मैं तो समझता हूँ कि कतई ज़रूरत नहीं है। जी और हमारे जो नौजवान हैं वो वैसे ही हम एक जज्बाती कौम तो हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन जज्बात को फिर कोई बरंगेख्ता करे और उनको कोई जो है वो यानी जज्बाती करे, तो उसके नतीजे में जो है वो फ़ायदा किसी का भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए जो है वो हमें और हमारे सब सियासतदानों को तदब्बुर की ज़रूरत है, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को तदब्बुर की ज़रूरत है, और मामलात को आगे मुस्बत सिमत में बढ़ाने के लिए जो है वो कोई डायलॉग, कोई इस तरह की कोई चीज़ के जिसके नतीजे में जो है वो ये जो पारा जो हाई हुआ हुआ है इस वक्त, अभी मुल्क में तो गर्मी शुरू नहीं हुई लेकिन सियासी गर्मी जो है वो बहुत ही लेकिन ये तो अभी जैसे अली नासिर साहब ने तस्करा किया कि बाकिरदार लोग हों, मामला फाहम लोग हों, तो इन तमाम चीज़ों को सोच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुदब्बिर अगर हों, ये इनमें कहाँ ये खसलतें पाई जाती हैं और कहाँ ये वो हैं कि ये इतनी तमाम चीज़ों को दूरंदेश के मामलों को समझ सकें। अब ये जो मुल्क जो सबसे पहले होना चाहिए, तरजीह ये होनी चाहिए, किसी भी मुल्क में होता है ये कि सियासत दुनिया में चलती है, लेकिन जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ है और नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और ख़ास तौर पर उसमें भी एक जमात जो है वो आगे आ गया है जो सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों के ऊपर जिस तरह की बातें और जिस तरह के जुमले अलकाबात से दूसरों को नवाजते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है? इससे तो बिल्कुल भी ये शायबा नहीं होता कि इनके पास जो है किसी किस्म का जो है वो सियासी फ़हम है, ये मामलात को समझते हों, या खुदा ना करे अगर मेरे मुँह में खाक कि अगर इनको दोबारा से इख्तदार दे दिया जाए, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो वक्त देखना नसीब हो, तो ये क्या करेंगे फिर? क्योंकि ये तो वही लोग हैं जिससे पहले लेकर आए थे, और मुझे आज सुबह के वक्त भी वो बात याद आ रही थी कि मौशी असलाहत के बारे में बात करते थे और ये किया करते थे, लोग कहाँ हैं इनके पास? ये वही लोग हैं वो 6 महीने में जो खड़े होकर जलसों में तकरीरों में कहते थे कि जी 90 दिन में मुल्क के मसाइल कर देगा, 6 महीने में उसको फारिग किया और घर भेज दिया। लोग कहाँ से लाएंगे? कौन लोग हैं जो ठीक करेंगे और कैसे करेंगे? जवाब तो दें, तो सवाल सुनने के लिए तो तैयार नहीं है ये। देखें, वही बात है कि हमारे यहाँ का मिजाज यह है कि अगर मतलब हो तो गधे को भी बाप बना लो, जी बिल्कुल ठीक ऐसा है ही। ना, वो जो है वो आप बूट पॉलिश करने के लिए भी तैयार हो जाएं। और जहाँ आप ये देखें कि साहब आपके मफाद पे कोई ज़रूरत पड़ गई है तो गिरेबान पे भी हाथ डाल हाथ दो, डाल दो। यानी हमारे यहाँ कोई तदब्बुर और संजीदगी और कोई मियाना रवि जो है और इस हवाले से कोई तरबियत नहीं के है। नहीं है। आप जिसे देखे ना कि जो जो है ना वो जो जितना ज़्यादा चीख कर ऊंची आवाज में बोलेगा, बात करेगा उसकी जो आवाज जितना में जो अपनी है सच्ची वो मानी अब जो जाएगी। है दूसरे मुखालिफ को जिस तरह से वो ताने तशनी गाली और जो है वो अलकाबात से नवाजेगा, उतना ही ज़्यादा जो है ना उसकी रेटिंग बात पार्टी के में अंदर भी जो है ना वजन वो होगा। वाह बिल्कुल वाह क्या ठीक, बात कर रहा है ये बिल्कुल ना। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर ये है। और अली नासिर साहब ने जो बात की उसके अंदर ये एक बड़ी अहम बात की जी कि हमारे यहाँ जो है ये इस पर सोचना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल कि जो क़यादत के ऊपर जो है ना वो 1 नंबर लोगों को लाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दो ठीक है। नंबर लोगों से जो है वो उम्मीद नहीं रखी जा सकती, उम्मीद नहीं रखी जा बिल्कुल सकती, वो ठीक है, किसी वक्त भी मुंह को भी आ सकता आ है। सकते और आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ ऐसा ही है। ये बहुत है शुक्रिया बात। जफर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सेगमेंट जो है वो रखता हमारे हूँ, पास पहुंचता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक वक्फा है। वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग कराची।